हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रेवल हैक। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि गेटमैन के लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अभी आ गया हूं गेटमैन के पास, खड़ा हूं, उनके जॉब को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे समझ जो आया, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि लोगों को डील करना है, अपने इनको सीनियर को डील करना है, इनको आदेश आता है गेट बंद करने का, लेकिन लोग जाते रहते हैं, तो इनको बफर टाइम 5 से 7 मिनट लेके रखना पड़ता है। अगर वो उतना नहीं लेंगे तो कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, गाली गलौज भी यहाँ तक करने लगते हैं, क्योंकि उनको भी जाना रहता है, बीच में फंस गए, गेट इनको बंद करना है, इनको सर पे किसी का चोट ना लग जाए उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। गेटमैन भारतीय रेल का एक जिम्मेदार और चौकस पहरेदार होता है, जो कि हर वक्त रेल परिचालन और पब्लिक की सुरक्षा का ख्याल रखता है। इन्हें ड्यूटी करते समय तरह तरह की जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। रेल ट्रैफिक और ट्रैक पार करने वाले लोग, इन सब की सुरक्षा गेटमैन की जिम्मेदारी होती है। इस काम को करने के लिए एकाग्रता के साथ साथ सहनशीलता भी बहुत जरूरी है। इनकी ड्यूटी सेफ्टी रिलेटेड है, तो इनको पब्लिक के साथ साथ रेल का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सिग्नल गेट से कनेक्टेड रहता है। अगर गेट बंद नहीं हुई तो स्टार्टर सिग्नल एक्टिवेट नहीं होगा और रेल के परिचालन में देरी हो सकती है। गेटमैन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह रहता है कि ट्रेन बिना किसी देरी से क्रॉसिंग पार करे, और जो लोग क्रॉसिंग पर खड़े हैं उनको भी ज़्यादा देर वेट करना ना पड़े। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग 5 मिनट भी रुकने को तैयार नहीं होते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक से गेट को नीचे से पार करते हैं। इनका देखिए, मैं आपको केबिन दिखाता हूँ, इसके अंदर में क्या होता है। इनकी एक बैठने की जगह होती है, इनके पास एक टेलीफोन होता है। इस टेलीफोन का क्या काम होता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर से इनको इन्फॉर्मेशन आती है। इनके पास एक बुक है जिसमें ये लोग अपना लिखते हैं, ऑपरेटिंग गेट हुआ, और जिसके चार्ज में देंगे उसका नाम लिख के तब जाए। अच्छा, और ये टेबल है, यहाँ पे इनको चेयर एक मिला है, इस चेयर पे बैठ के ये अपना ड्यूटी करते हैं। और अच्छी बात है, गर्मी के टाइम के लिए एक यहाँ पे फैन दिख रहा है मुझे, और एक ट्यूब लाइट भी दिख रही है, एक घड़ी रखा है इन्होंने टाइम देखने के लिए। और इनको यहाँ से ही ट्रैफिक ऑपरेट करनी पड़ती है, इस छोटे से केबिन में बैठ के इनको ड्यूटी करना पड़ता है। और इनके साथ एक टॉर्च भी है जो सिग्नल के लिए यूज होता है रात में, और दिन के लिए इनके पास रेड और हरा झंडा रहता है। अब इनसे थोड़ी बात करते हैं इनके डिफ़िकल्ट लाइफ के बारे में। ये जो गेटमैन का काम होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है, तो उसको कैसे डील करना होता है, आपको क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है? जैसे कि टेलीफोन आया, हाँ, उधर से गाड़ी आएगा तो उधर से फोन करेगा, उधर से गाड़ी आ रहा है 8-10, हाँ, इधर से गाड़ी खुलेगी बरौनी से, तो बरौनी से आ रही है, बंद कीजिए, बंद करने के बाद लॉक हो जाता है, हाँ, वहीं से चाबी खींचा जाता है। तो लोग कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 12 मिनट का टाइम रहता है, 12 मिनट से ज़्यादा होने के बाद सब हल्ला करने लगता है। तो उसको कैसे आप डील करते हैं? हम अपना समझा बुझा के उसको आदमी सब को शांत करते हैं। तो फिर गाड़ी फंस गया, क्या करिए? गेट खोलने का आपको कैसे आदेश आता है, फोन से? नहीं, गेट गिराने के लिए फोन किया जाता है। और खोलने के लिए? खोलने के लिए चाबी मिलता है वहाँ, 12 घंटा का ड्यूटी। 12 घंटा ड्यूटी, 12 घंटा। अच्छा, कोनो कोनो गेट पर 8 घंटा हो गया। गेटमैन की ड्यूटी 12 घंटे की हो गई है। सिग्नल आएगा इनको गेट खोलने का, तो यहाँ एक जो बत्ती दिख रही है ना, ये रेड हो जाएगा, तो इसका मतलब है चाबी
दे दी गई है, तो अभी गेट खुलेगा नहीं तो नहीं खुलेगा। यहाँ पे देखिए इमरजेंसी की बॉक्स भी है, इसमें इमरजेंसी किट रहता है। आ गया, अभी देखिए रेड हो गया सिग्नल, और अभी इसमें डालेंगे, और अभी जो है गेट ये मटन दबाएंगे तो गेट खुल जाएगी। देखिए अभी दिखाता हूँ आपको, ये बटन दबाएं, देखिए सामने जो है गेट अभी खुलना चालू हो गया। तो ये भी रेलवे के चौकस सिपाही हैं, मुस्तैदी से इनको रहना पड़ता है और अपनी काम को काफ़ी जिम्मेवारी के साथ करना पड़ता है। मेरा काम है जो ड्यूटी पकड़ने से पहले रेल से अपना सेफ्टी, हाँ, उसके बाद रेल सेफ्टी, और जो यहाँ का मेरा एक खंभा इधर पश्चिम और एक खंभा पूरा मेरा इलाका है, हाँ, जिसमें एक खंभा इधर अगर कोई रेल में प्रॉब्लम टूटी फूटी हो जाने के बाद उसमें सेफ्टी किया जाता है। काहे कि अगर डाउन लाइन में टूटा रेल तो हम जो है तो पश्चिम साइड गाड़ी को रोकेंगे, स्टेशन मास्टर को सूचना देंगे, उसके बाद उतना सेफ्टी करेंगे। पड़ाका जो होता है पड़ाका लेके अगर रेल टूटने के बाद 5 मीटर हट के हमको लाल लगाया जाता है, लाल लगाने के बाद जो है सो पड़ाका लेके आगे जाते हैं, 600 मीटर पे एक पड़ाका बांधते हैं, और 1200 पर जाने के बाद 3 पड़ाका लगाते हैं 10-10 मीटर पर टेढ़ी मेढ़ी करके, उसके बाद रिटर्निंग आते हैं तो 600 मीटर वाला पड़ाका हम खोल लेते हैं। अच्छा, हाँ, उठा लेते हैं, उसके बाद स्टेशन मास्टर को सूचना देते हैं कि मेरा ट्रेन सही हो गया है, 10 का स्पीड में गाड़ी चला जा रही है। ये बटन है ना, इसी से इससे क्लोज होता है, पहले हाथ से होता था। ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है और ये क्लोज है। ओके, और ये क्या है ये वाला? ये सब इसी का सिग्नल देता है, किसे जब गेट लगा देते हैं, इसका आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब इंडिकेटर कह सकते हैं, इंडिकेट करता है कि गेट लग गई है। लग गई है, अच्छा, से लॉक हो गई। और इसमें ये हैंडल क्या काम करता है? जब ये हमारा समाप्त हो जाए या बैटरी खराब हो जाए या किसी तरह से ये गेट नहीं लगे तो ये बटन है, इस तरफ है, ऑटोमेटिक है, इसको इधर कर देंगे। अच्छा, मैनुअल हो जाएगा, इसको इस तरफ कर करके तो हाँ हैंड से भी लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम जिस केबिन पे खड़े हैं ये बरौनी का सबसे बीजी वाला केबिन है, और यहाँ पे हमेशा गेट ये मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की शिकायत रहती है बंद ही रहती है। तो हम अभी गेटमैन साहब से बात कर रहे थे तो उनका कहना था ये सबसे डिफ़िकल्ट जॉब मुझे यहाँ फेस करना पड़ता है, क्योंकि लोग इन पेशेंस हो जाते हैं, उनको क्या पता रहता है क्या गेट क्लियर नहीं हुआ है, इनको जो आदेश मिलता है ये उसको फॉलो करते हैं लेकिन लोग उसको मानते नहीं हैं। कभी कभी मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, इनका जॉब देख रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ क्या काम करते हैं ये। तो ये जो गेट मैं आपको दिखाया ये सबसे बिजी रहने वाला गेट है बरौनी का, क्योंकि ये स्टेशन से नज़दीक है, तो यहाँ पे मिनिमम टाइम 20 मिनट से लेके एक एक घंटे 40 मिनट तक गेट बंद ही रहती है, और यहाँ लंबा अच्छा खासा जाम लग जाता है और गेट बंद है। लोग कभी कभी इनपेशेंस हो जाते हैं और इनको खरी खोटी सुनाते हैं, ये अपना जॉब कर रहे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ रुक गए हैं और ये टेम्पो को ले जाने के लिए गेटमैन से रिक्वेस्ट करते हैं, इनको उसका भी ध्यान रखना होता है ताकि किसी के सर पे ना गिर जाए, सिर पे गिरेगा तो सर फट सकता है। और आप देखो ट्रैक्टर दिन, ये हर दिन का चैलेंज है, हर आधे घंटे का ये डिफ़िकल्टी लेवल इनको फेस करना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल, अभी देखिए इनको गेट बंद करना है और उधर से एक ट्रैक्टर आ रही है, बाजू से एक ट्रैक्टर जा रही है, बाइक वाले आ रहे हैं, जब तक ये पूरा क्लियर नहीं करेंगे, इनको आदेश आया हुआ है बंद करने। बहुत ही बारीकी से इस काम को करना पड़ता है इनके द्वारा जब तक पूरा क्लियर ना हो। उधर ट्रेन की भी आने का सिग्नल हो जाएगा गेट गिरते ही। अभी देखिए एक ठेला क्रॉस हुआ है, अब जब तक नहीं गुजरेगा इनको ये बंद नहीं कर सकते हैं। इधर से बाइक आ रही है, तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इनके काम का। गेटमैन को अक्सर ड्यूटी के दौरान तनाव का सामना करना पड़ता है, कई बार गेट बंद हो जाने के बाद ट्रेन को आने में विलम्ब हो जाती है, तब क्रॉसिंग पर खड़े लोग इनपेशेंस हो जाते हैं और गेटमैन को खरी खोटी सुनाते हैं, कभी कभी तो गाली गलौज भी करते हैं, लेकिन गेटमैन को इन सारी चीज़ों को सहनशीलता से उनकी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, क्योंकि लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी का ध्यान इन्हीं को रखना पड़ता है। गेट भले थोड़ी देरी से खुले लेकिन गेटमैन हमेशा यही चाहता है कि उनकी निगरानी में कभी कोई दुर्घटना ना हो। आप जब ग्रुप डी के माध्यम से इसमें बहाल हो गए तो इसका जो बेसिक पे है वो 1800 का है, और कुल मिला के DA TA जो भी
एडिशनल अलाउंस है वो सब मिला के अप्रॉक्स 22,000 से 25,000 के करीब में सैलरी मिलती है गेटमैन की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे आ ही गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।